अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर हामिद मुस्लिम ख़ान है और एक जनरल डेंटिस्ट हूँ विद अ क्वालिफाइड सर्टिफाइड कोर्स ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स। मैं मेडिक्स हॉस्पिटल में बैठता हूँ। आज चंद बातें अपने मरीज़ों के लिए और फॉलोअर्स के लिए शेयर कर देता हूँ। डेंटल हेल्थ हमारे यहाँ एक नेगलेक्टेड फील्ड है सो फार लोगों का जो ताल्लुक है इससे, क्योंकि हम लोग अव्वल तो हाइजीन हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है, प्लस अगर हाइजीन ठीक है भी तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ठीक नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, सबको पता है, सारे लोग करते हैं, लेकिन अक्सर गलत करते हैं, या तो तरीका गलत होता है या टाइम गलत होता है। मुनासिब तरीका ये है कि रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद, ये दो टाइम होना चाहिए, जबकि इसके बरक्स हमारे लोग अक्सर सुबह उठ के जल्दी जल्दी ब्रश कर लेते हैं और रात को अक्सर करते ही नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं करते। ये बेसिक है दांतों का। इसके बाद आपके मुख्तलिफ डिजीज़ शुरू हो जाते हैं, जैसा कि दांत में कीड़ा लगना, मसूड़ों की बीमारियां, जिसको आप अपनी अल्फाज में जिंजिवाइटिस कहते हैं और आम फहम लोग उसको मास्खोरा कहते हैं, जिसमें कुछ केसेस में तो इतना सवेर होता है कि लोगों का वज़ू करना मुश्किल हो जाता है, उसके मुंह में मुसलसल खून आता रहता है, रस्ता रहता है, जिसकी वजह से बदबू भी आती है और खासे मसाइल से दो चार होता है मरीज़। इसके अलावा दांतों में कीड़ा लगना, वो अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, कोई काला स्पॉट या धब्बा या एक हल्की सी लकीर, जिसको खैर आम इंसान तो जज नहीं कर सकता, इसीलिए हम कहते हैं कि आप हर 6-7 महीने बाद डेंटिस्ट के पास एक विज़िट कर लिया करें, ताकि ये तायुन हो सके कि आपके दांतों में किसी दांत को कीड़ा तो नहीं लगा। अगर लगा हुआ है तो उसको फिर काटने की ज़रूरत है, जिसके बाद हम फिलिंग करते हैं। अगर वो उस स्टेज पे कंट्रोल ना किया जाए तो वो फिर दांत को एक्सपोजर की तरफ ले जाता है और बाद में उसका इलाज रूट कनाल और क्राउनिंग और काफ़ी सारी मुश्किलात में पड़ जाता है बंदा। इसके अलावा डेंटिस्ट्री को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक बच्चों की है, एक मिडिल एज्ड बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, और कुछ एडल्ट का। तीनों के मसाइल तकरीबन एक जैसे भी हैं, लेकिन कुछ जगह पे फ़र्क है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों की आप अपनी नॉर्मल कम से कम हर साल एक विज़िट एटलीस्ट डेंटिस्ट से करवाया करें, बेशक उनके दूध के दांत हों, ताकि अभी उसी स्टेज में आप उनके जो डिफरेंट किस्म के ऑर्थोडॉन्टिक्स के इशू हैं उनको सेटल किया जा सके, और बाद में उनको ब्रेसिस की और लंबी चौड़ी ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, और अगर पड़े भी तो वो कम से कम परमानेंट बेसिस के लिए हों और ठीक हो जाएं। इसी तरह हम बच्चों का देख लें जो टीनेज हैं, उनमें मिक्स डेंटिशन पीरियड है, उस वक्त ओवर रिटेन्ड दांत होते हैं, ओवर इरप्टेड होते हैं, उसमें मिसिंग दांत होते हैं, जिसकी मुख्तलिफ किस्म की रिपरकशंस हैं इंसान की एस्थेटिक्स पे, उनके हैबिट्स पे, उसकी हाइजीन पे, काफ़ी सारी चीज़ों पर। इसी तरह अगर हम एडल्ट्स में देख लें तो एडल्ट्स में फिर आपके पास जाहिर सी बात है दूध का दांत कोई नहीं है, सारे परमानेंट दांत हैं, उसमें छोटी सी भी गुस्ताखी जो है या उसको छोटी सी भी अगर आप उसको नेगलेक्ट करते हैं ज़रा सा भी, तो आप अपने एक दांत को ख़राब करते हैं, जिसका फिर आप बाद में खमियाजा भुगतते हैं इन द शेप ऑफ रूट कनाल्स एंड ब्रिजेस एंड इम्प्लांट्स वगैरह। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओल्ड एज में आपको दांतों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान को नशोनुमा के लिए और एनर्जी के लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, जिसमें आपके दांतों का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर वो ना हो तो मुख्तलिफ किस्म के मैदे के मसाइल और मुख्तलिफ किस्म के
बाकी सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो बहरहाल आखिर मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाया करें और अपने दांतों का ख्याल रखें। हमारी अगर आपको किसी जगह पे खिदमत की ज़रूरत हो तो हम मेडिक्स हॉस्पिटल में होते हैं, सुबह 10 बजे से ले कर शाम 6 बजे तक मैं होता हूँ, और सैटरडेज़ को भी होता हूँ, संडे की मेरी छुट्टी होती है। थैंक यू वेरी मच।